चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि जो पृथ्वीराज चौहान ने ट्वीट किया था उस पर विवाद लगातार गर्माता रहा और अब पृथ्वीराज चौहान की सफाई सामने आई है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, बयान को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, यूपी के दरमियान केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अब उनके बयान को लेकर जब सियासी घमासान छिड़ा तो अब वो यूटर्न लेते हुए कह रहे हैं कि दरअसल में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पृथ्वीराज चौहान ने ट्वीट किया था कि जरूरत पर सभी धार्मिक ट्रस्ट से जो सोना है वो सरकार ले ले, कम ब्याज पर बॉन्ड के जरिए ये सोना लिया जा सकता है। ये बात कही थी पृथ्वीराज चौहान। हमारे देश में बहुत सोना है निजी व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्थाओं के पास। ऐसी जानकारी हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी विश्व स्वर्ण परिषद देती है। इस सोने का इस संकट काल में योग्य उपयोग हो, इसी भावना से मैंने ये सूचना की थी। लेकिन कुछ भक्त चैनलों ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने इसको, मैंने किसी एक विशिष्ट किसी धर्म विशिष्ट विशिष्ट धर्म को मद्देनज़र रखते हुए ये सूचना की है, ऐसा आरोप किया है। अब इसके बारे में मैं जो सही होगी कानूनी कार्रवाई करूँगा। लेकिन याद रहें कि अब तक दो प्रधानमंत्रियों ने सोना इकट्ठा करने गोल्ड मोबिलाइजेशन की योजनाएं बनाई है और इत्तेफाक है कि दोनों भी भाजपा से संबंधित थे। चलिए अब आपको दिखाते हैं पृथ्वीराज चौहान का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में धार्मिक ट्रस्टों के पास $1 ट्रिलियन का सोना पड़ा हुआ है, सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए इन ट्रस्टों से ये सोना कम ब्याज दर पर ले लेना चाहिए, सरकार को इस सोने का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। इस आपातकालीन स्थिति में सोने को कम ब्याज दर पर सोने के बॉन्ड के माध्यम से उधार लिया जा सकता है। ये पृथ्वीराज चौहान का ट्वीट हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिसके बाद ये पूरा सियासी घमासान शुरू हुआ। तो दरअसल में आप देख रहे हैं ये वो ट्वीट है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यूपीए के दरमियान केंद्र सरकार में मंत्री रहे, महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें वो कह रहे थे कि जिस तरीके की इस वक्त आर्थिक स्थिति है उसमें ये वो सलाह देते हुए नजर आ रहे थे कि $1 ट्रिलियन के आसपास का जो सोना है $1 ट्रिलियन का वो ले लेना चाहिए सरकार को और उसका इस्तेमाल करना चाहिए।